अब रुख करते हैं खबरों का। विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और राजनीतिक पार्टियां वोटरों को रिझाने के लिए तमाम तरह के प्रयास कर रही है। वहीं जालौन के उरगांव में आज समाजवादी पार्टी का प्रबुद्ध सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सपा के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक मिश्रा ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि उत्तर प्रदेश में 2022 में बड़ा बदलाव होगा और समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। बता दें, जालौन के उरगांव में आयोजित हुए प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में दूर दराज क्षेत्रों से लोग शामिल होंगे। इस दौरान उन्होंने मंच से लोगों को आश्वस्त किया और कहा कि 2022 में अखिलेश यादव की पूर्ण बहुमत में सरकार बनने वाली है। वहीं विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में महंगाई चरम पर है, लोगों को बच्चों की फीस भरना भी मुश्किल हो रहा है, हर वर्ग का विकास इस सरकार में हुआ है, वहीं बीजेपी सरकार तो सिर्फ वाहवाही लूट रही है। बुंदेलखंड की पवित्र भूमि पर आज जालौन जिले में कालपी में प्रबुद्ध सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें सभी समाजवादी साथी, हमारे सीनियर लीडरशिप के सभी साथी, नौजवान साथी, किसान साथी, सब लोग इकट्ठे हुए हैं आज ये संदेश देने के लिए कि उत्तर प्रदेश एक बदलाव की तरफ बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश में 2022 में एक बड़ा बदलाव होगा। उत्तर प्रदेश दोबारा विकास के रास्ते, दोबारा रोजगार से जुड़ेगा, दोबारा नौजवानों के लिए काम होगा, दोबारा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पे काम होगा, लैपटॉप बटने और उस पे काम करेंगे, समाजवादी पेंशन देने का काम करेंगे, और जो हिंदू मुसलमान के नाम पे, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे लड़ाने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाने का काम करेंगे। लॉ एंड ऑर्डर पहली प्रायोरिटी होगी। लॉ एंड ऑर्डर पे किसी तरीके की गुस्ताखी, किसी तरीके की गलती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गुंडई को बिल्कुल पूरे तरीके से, आज जिस तरीके की गुंडई उत्तर प्रदेश में हो गई है, लोग आज हर आदमी जहां चाहे वहां भारतीय जनता पार्टी का नाम लेकर के गुंडई कर रहा है, अफसरों को मारा जा रहा है, आईपीएस अफसरों के घरों पे हमला हो रहा है, तो यह व्यवस्था को खत्म करना होगा। लोगों को सुरक्षा देनी होगी, समाजवादी सरकार निश्चित रूप से इंश्योर करेगी।